जय श्री कृष्ण। आज आपण मानी मुझे भल टीप्स आनची जोटा कि मधुमेह उपरे ब्लड सुगर उपरे जोटा कि हम समस्त जानचे मधुमेह ब्लड रे आपणकर सुगर लेवल बढ़ी जीवो जोटा कि मीठा अंश में कह जाए ता बढ़ी जाए तेणु बिल्डिंग अप सुगर इन द ब्लड वेसल समटाइम जोटा कि जदि बढ़ीगला तेल आम पैनक्रीज था जोटा इंसुलिन रिलीज करे ग्लूकोज एंड इंसुलिन बोथ आर से कौन करेंगे परस्पर मेंटेन करेंगे जोटा कि ब्लड लेवल आपणकर बालान्स रदि आपणकर ब्लड बढ़ीगला सुगर ब्लड रे ताहले इंसुलिन जदि पैनक्रीज रिलीज नहला ठीक से ताहले आपणकर मेंटेन हो पारे जानिया कि तो आम साधारण जानिया दरकार अच्छे ब्लड जोटा आपणकर सुगर लेवल मिनिमम आप 80 to 130 बा 90 to 130 भितर बिफोर फास्टिंग रहा दरकार अच्छे आउ लेस देन 180 आफ्टर फूड जदि रहुचि ताहले मे बी यू नॉट हैव डायबिटीज किंतु किछिटा जिनस अछि हम माने ताको मेंटेन करिबा। अच्छा प्रथमे जानिया डायबिटीज सिम्टम कौन साइन दब थ्री तीन टा साइन गोटे हला इनक्रीज द थर्स्टी शोष बहुत लगे आ भोक भी बहुत लगे अनएक्सपेक्टेड आप भाविन कि मतलब शोष कर शोष लगे प्लस भोक भी लगे। सेकेंड हूँ आप यूरिनाल बारंबार पा पीले तेणु यूरिनाल भी लगे तो परिस्रा आपण को बारंबार आसव। सेकेंड थर्ड है फिलिंग टायर्ड आपण बहुत टायर्ड लगे आलस आसीज एवं लुजिंग वेट धीरे धीरे आपणकर वेट कम लगे ये मेन तीनो सैन आपन को डायबिटीस मे बी इफेक्ट होली आपको सैन जनापड़ तेणु या छड़ा आपन को कॉमन फैक्टर अच्छी जोटा सिम्टम्स जमती कहली यूरिन कंटिन्यू बारंबार लगे फीलिंग भेरी थर्स्टी शोष लगे बारंबार एंड हंग्री भी अल्सो लगे भोक लगे तापर आपणकर कौन हम ना विजन जोटा कि आई विजन मे बी आई विजन आपन को कम आसपे देखा जीवन ठीक से तो आई पावर कमीज कटि जदि ताल सुखा डिले हम तो ये जिनस देन वेट लॉस तो वेट लॉस हम मानने आपन जानिया यही सब सिम्टम जो जना पड़ी तेल आपन इमीडिएट डॉक्टर परामर्श करूँ कि ट्रीटमेंट रे आप मेडिसिन ट्रीटमेंट हो पारे कि जेकोसी आप ट्रीटमेंट रे आप डॉक्टर परामर्श ही करें डायबिटीस अच्छा फास्ट फिजिकल एक्टिविटीज आपको पड़ो एंड ईटिंग हेल्दी प्लांट फूड प्लांट फूड कहले आपणकर हेल्दी प्लांट फूड जोटा कि आपन को विटामिन्स मिनरल गुड़ा सब कार्बोहाइड्रेट ये जिनस भरपूर ही थी प्लांट फूड आप खाई देन हेल्दी जिनस ईटिंग करेंगे तेल मसला ये जिनस अवॉइड रे इवन आपणकर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे वेट लॉस जदि आपणकर हाई वेट रे अच्छा तेल वेट आप टिके लॉस करिया पड़ो जितक वेट रहा था एक्सरसाइज करेंगे डेली एक्टिविटीज करेंगे देन पॉसिबल जदि आपन को डायबिटीज ताले आपन डायबिटीज मेडिटेशन बा मेडिसिन रही पारे कि आपड़ा इंसुलिन थेरापी इंसुलिन नहीं पारे एक्सटर्नाली जदि आप पैनक्रीज रु इंसुलिन रिलीज होनी ताल आप कौन करेंगे इंसुलिन नहीं पारे तेरे आपणकर दीटा अच्छे टू टाइप्स डायबिटीज टाइप वन टाइप टू जदि टाइप टू अच्छे आप मे बी इंसुलिन टेकन करें एज पर डॉक्टर एडवाइस। ब्लड सुगर आपणकर मेंटेन करेंगे आप डेली ब्लड सुगर मेंटेन करा पड़ो ये जो जिनसा है तेनाली डायबिटीज अच्छी ये जिनस मेंटेन करूँ हेल्दी रुहतु ता सहित मुझे आपण को किसी टीप्स कहबी जो
ଯେଉଁଟାକି ମଧୁମେହ କିପରି ଆମେ ଘରେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଭୃଷଙ୍ଗପତ୍ର 3 ମାସ ଖାଇଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗର ଉପକାର ମିଳିବ। ଭୃଷଙ୍ଗପତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି ସକାଳେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଉପଶମ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଅଁଳା ରସ 50 ମିଲିଗ୍ରାମ, କଞ୍ଚା କଲରା ରସ ସମ ପରିମାଣ ସେଇ 50 ମିଲିଗ୍ରାମ ନେଇ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଦୈନିକ ଖାଲି ପେଟରେ 2-3 ମାସ ସେବନ କଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଉପକାର ମିଳିବ। ଅଁଳା, ଜାମୁପତ୍ର, ଧନିଆ ଏକତ୍ର ସିଝାଇ ତା'ର କ୍ୱାଥ ସେବନ ବି କଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଆପଣ ଅଁଳା, ଜାମୁପତ୍ର, ଧନିଆ ଏକୁ ସିଝାଇ ଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ୱାଥ ବା ଯେଉଁ ସିଝିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଛାଣିଦେବେ, ଯେଉଁ କମ୍ ଲେବୁଲ ପାଣି ରହିବ, କ୍ୱାଥ ବନିଯିବ ମିଶ୍ରଣ, ସେ ତାକୁ ଆପଣ ଡେଲି ପିଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେଥି ଭଜା, ଯଦି ମେଥି ମିଛି ତ ମିଳୁଛି ସବୁଠି, ତେଣୁ ମେଥି ଆପଣ ଭାଜିକି ମେଥି ବି ଭଜା ଖାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଚୁନା କରି ଆପଣ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଚାମଚ ଲେଖା ସକାଳୁ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼ ଯେଉଁଟା ସୁଗାର ଅଛି ତାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।